हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल सर आज आपके सामने लेके आया हूँ केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर दैट द कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। प्यारे बच्चों, हम लास्ट लेक्चर पर ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर ने रिएक्शन का कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब के गिवन है, और के को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, के को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। अगर आपको रेट कांस्टेंट गिवन है तो आप उसकी यूनिट से डिटरमाइन कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब इधर देखें, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम ये देखेंगे कि सेकंड पैटर्न कौन सा है जिससे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, आप बोर्ड में सुन लेना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। रिएक्टेंट ए इट इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इन पी एंड रेट बिकम्स हाफ, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज बाई 4 times। एग्जामिनर ये कह रहा है कि जो रेट है वो आपकी हाफ हो जाती है, कब, जब कंसेंट्रेशन जो है वो 4 times हो जाती है। कितने टाइम हो जाती है? 4 times। तो मैं आपको लास्ट लेक्चर पर एक फॉर्मूला बता चुका हूं जिसे दोबारा बता रहा हूं, चेंज इन रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो लुक हेयर, चेंज इन रेट, हेयर रेट इज गोइंग टू बी हाफ, इट इज हाफ प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। सो कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 4 times, सो इट इज 4 to the power delta n। इट इज क्लियर? नाउ लुक हेयर, 1/2, आई एम शिफ्टिंग 2 इन पार्ट ऑफ न्यूमरेटर, सो इट विल बी 2^-1 विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू। अब क्या करो, यहां बेस 2 आया है तो इसको भी सिमिलर बनाओ इस बेस के। क्यों? 2 को तो हम 4 में कन्वर्ट कर नहीं सकते, लेकिन 4 को 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 2^(Δn) स्क्वायर कर दिया। अब यहां एक चीज देखो, आप डेल्टा एन लिखना चाहो डेल्टा एन लिखो, एन लिखना चाहो एन लिखो, बात एक ही है, लेकिन हम लिखते क्या है, डेल्टा एन। इजी करने के लिए डेल्टा एन को रिप्लेस कर दिया किससे, हमने, एन से। सो लुक हियर, 2n इट इज इक्वल टू -1। सो स्टूडेंट्स, द एन विल बी इक्वल टू -1/2। यहां देखो, जो फॉर्मूला है ना, जो आपको क्रैम करना है, इसको ब्रैकेट में डाल के ऊपर लिख दे रहा हूं मैं बहुत प्यारा सा वर्ड, MTR। मुझे तो रट ही लो, और इसको रट लेना है कि चेंज इन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चेंज इन रेट इट इज गिवन टू यू 1/2 प्रोपोर्शनल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाय 4 times टू द पावर एन, 2 न्यूमरेटर में पावर क्या हो जाएगी -1, 4 का मीनिंग क्या होता है 2^2, सो 2n इज इक्वल टू -1 एंड n इज इक्वल टू -1/2। सो क्वेश्चन देखें आराम से, मेरे अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक चीज सुनना, यहां पर एक पॉइंट सुनना बहुत अच्छे ढंग से, जितने रिएक्टेंट गिवन होंगे ना, जितने रिएक्टेंट गिवन है उतनी ही आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी। यहां पर रिएक्टेंट एक था तो एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। अब जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज कर देता हूं और क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, यहां पर हम 3 questions सॉल्व करेंगे और इन तीनों से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 2nd, और क्वेश्चन नंबर 2nd क्या कह रहा है समझना, बी है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट पी में। क्या बोला, बी है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में,
अगर मैं बी की कॉन्सेंट्रेशन को 3 times कर दू, कितने टाइम इंक्रीज किया, 3 times, तो जो रेट है ना वो बेटा आपकी 9 times इंक्रीज हो रही है। ऑन इंक्रीमेंट इन कंसंट्रेशन बाय 3 times द रेट इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 9 times। सो लुक हियर, आई एम बेटा शांत शांत बात नहीं करते है ना, शांत रहो, लेक्चर देखो। अब देखो जो फॉर्मूला है मैं आपको बता चुका हूं, चेंज इन रेट इट इज 9 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ टाइम दैट इज 3 टू द पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन को रिप्लेस कर देते हैं किससे, हम एन से। सो लुक हियर, बेस क्या करो, इनके बेस को सेम कर दो, एन क्या होता है 3 power 2 प्रोपोर्शनल 3 to the power n, इट इज क्लियर। सो फ्रॉम हियर n विल बी इक्वल टू 2, भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी सेम, n की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। इधर देखो बेटा अवांश शांत, b इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इन प्रोडक्ट p, b कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b इज गोइंग टू बी इंक्रीज बाय 3 times एंड द रेट इज बिकम 9 times। सो रेट 9 प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन 3 to the power n, सो बेस सिमिलर करो 3 square प्रोपोर्शनल टू 3 to the power n, सो फ्रॉम हियर n इज इक्वल टू 2, रिएक्टेंट ए इंफॉर्मेशन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट होने जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एडवांस के एग्जाम में आ चुका है बेटा जी, और एडवांस के अंदर इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से सुने, तो सुनो बेटा हम क्वेश्चन को सबसे पहले यहां लिखने जा रहे हैं, तो आराम से सुनिएगा, दिल थाम के बैठिएगा, शो चालू हो चुका है, और शो के अंदर नेक्स्ट जो आपका आइटम आ रहा है, सर आइटम आ रहा है, हाँ आइटम आ रहा है, आइटम है ए प्लस बी प्लस सी इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इन पी। अब इसमें आपको देखो रिएक्टेंट कितने हैं, 3 हैं, अगर रिएक्टेंट 3 है तो इंफॉर्मेशन भी कितनी होंगी, 3 होंगी। तो बेटा जी जो पहली इंफॉर्मेशन है वो ये है, ऑन डबलिंग, क्वेश्चन बड़ा है, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रेट इंक्रीजेस बाय 4 times। सेकेंड जो है वो गिवन है, ऑन डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड रिड्यूसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू 1/2 रेट, बी टू 1/2 रेट बिकम्स 4 times। नेक्स्ट ये है आपको थर्ड इंफॉर्मेशन जो है, भाई 3 रिएक्टेंट है तो इंफॉर्मेशन भी 3 होंगी, ये तो फिक्स है। ऑन इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन और कंसेंट्रेशन बाई 4 times रेट इंक्रीज्ड बाय 64 times। क्वेश्चन देखें, पॉज करके क्वेश्चन को नोट करें, क्वेश्चन को समझें, आखिर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखो स्टूडेंट क्या समस्या है, क्वेश्चन बहुत टफ है, इतनी बड़ी लैंग्वेज देखें, क्वेश्चन बहुत इजी है, तीनों की तीनों इंफॉर्मेशन हमें क्या करनी है यहां पर यूज करनी है। तो देखो क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग आप लिख चुके होंगे, क्वेश्चन को रफ कर रहा हूं और शॉर्ट में लिख रहा हूं क्या है। सबसे पहले अगर इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो आप क्या करोगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखो, रेट प्रोपोर्शनल टू ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ये हो गया। अब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, इट इज पी इट इज क्यू इट इज आर, इट इज जनरल फॉर्म,
फर्स्ट पॉइंट वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट सी ऑन डबलिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. वॉल्यूम को कितना कर रहे हो आप, डबल कर रहे हो, तो जो रेट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज्ड. रेट डिक्रीज्ड बाय 8 टाइम, यही हो रहा है आपका. अब इधर देखो, सॉरी डिक्रीज बाय 8 टाइम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/8. भाई इंक्रीज होता तो 8 लिखते और डिक्रीज हो रहा है तो क्या लिख रहे हैं, 1/8. तो अब इधर देखो, लास्ट लेक्चर पर एक फॉर्मूला बता चुका हूं, रेट प्रोपोर्शनल टू 1/1 चेंज इन वॉल्यूम टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ये फॉर्मूला मैं लिख चुका हूं, तो यहां से देखना रेट जो है वो कितने टाइम है, 1/8 प्रोपोर्शनल 1/ वॉल्यूम चेंज कितना हो रहा है, 2 टाइम पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. अब देखो न्यूमरेटर क्या है, सेम, तो यहां से मैं एक पॉइंट लिख सकता हूं, 2 to the power n प्रोपोर्शनल टू 8. अब क्या करना है, वही बेस को सेम बनाओ, 2 है तो इसको भी 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करो, 2 to the power n प्रोपोर्शनल 2 to the power cube. By 2 cube is known as 8. So from here n it is equal to 3. Base similar है तो power भी क्या हो जाएंगी, similar. अब देखो n क्या है, order of reaction है, तो यहां से एक relation निकल के आया, n order of reaction is equal to 3. So p plus q plus r it is equal to 3. Total order of reaction कितना है आपका, calculate करने पे आ रहा है, 3 आ रहा है. वेरी गुड, यहां तक क्लियर है सबको, पॉज करो, देख लो, नोट करो. भाई हमने ओवरऑल निकाल लिया P plus Q plus R is equal to कितना आ रहा है, 3. ये हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन से कैलकुलेट किया कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन है बेटा वो आपकी कितनी आ रही है, 3 आ रही है. सेकंड इंफॉर्मेशन क्या थी, एक ही कंसंट्रेशन को तो हम कितने टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, 2 टाइम इंक्रीज कर रहे हैं, और B की कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं. A को तो क्या किया, 2 टाइम, और B की कंसंट्रेशन को क्या किया, हाफ. तो जो रेट है वो आपकी 2 टाइम इंक्रीज हो रही है, कितने टाइम इंक्रीज हो रही है, सॉरी रेट इंक्रीज हो रही है 4 टाइम. तो देखो यहां से रेट का फॉर्मूला क्या था आपका, आपको पता है रेट प्रोपोर्शनल टू A की पावर क्या था, P, और B की पावर क्या है आपका, Q. C गिवन नहीं है तो उससे मतलब नहीं है, लिखो ही मत भाई, कंसंट्रेशन गिवन ही नहीं है तो उसका क्या करोगे आप. तो यहां से एक चीज देखना, चेंज इन रेट कितना हो रहा है, 4 टाइम प्रोपोर्शनल टू. अब इधर देखना A, A की कंसंट्रेशन को हमने कितने टाइम इंक्रीज किया, 2 टाइम पावर P. B को क्या कर रहे हैं हम, 1/2 पावर क्यूब कर रहे हैं, तो 4 प्रोपोर्शनल टू 2 raised to power p, 1/2 है तो 2 ऊपर चला गया तो ये क्या हो गया, माइनस क्यू. तो यहां से देखना 4 प्रोपोर्शनल टू क्या रहा है, 2p minus q. 2 कॉमन है भाई, p माइनस क्यू. अब बेस सिमिलर करो, बेस सिमिलर करने के लिए क्या करोगे, 2 की, बेटा आवाज नहीं करते अवांश, 2 to the power 2 हो गया प्रोपोर्शनल, पी माइनस प्रोपोर्शनल 2 power p minus q. देखो 4 है, 2 raised to power 2 प्रोपोर्शनल 2 raised to power p minus q. तो यहां से एक रिलेशन निकल के आया, p minus q इट इज इक्वल टू 2. क्या रहा है, p minus q इट इज इक्वल टू 2. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये आई, सेकंड इक्वेशन हमारी ये आ गई. अब हमारे पास थर्ड इंफॉर्मेशन भी है जिसका हमें यूज करना है, तो हम थर्ड इंफॉर्मेशन यूज करने जा रहे हैं, ढंग से समझना. थर्ड इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा. P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा, 2. इट इज इक्वेशन नंबर 2. सो स्टूडेंट्स वी आर मूविंग ऑन अवर कंडीशन नंबर 3. वी आर मूविंग ऑन अवर कंडीशन नंबर 3. इफ concentration of C is going to be increased by 4 times, then rate becomes 64 times.
अगर हम सी की कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज कर दें और रेट को 64 कर दें तो फटाफट मुझे पॉज करके बताएं कि यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आने वाला है सी का, जल्दी सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन को इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ऐसे हमें लग रहा है, हमने सी की कंसंट्रेशन को 4 टाइम इंक्रीज कर दिया तो रेट कितने टाइम इंक्रीज हो रही है 64 टाइम। फिर फॉर्मूला लगाओ, चेंज इन रेट प्रोपोर्शनल टू चेंज इन कंसंट्रेशन 4 पावर, इसके लिए क्या था हमारा आर, ये तो आएगा भाई सी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 64 का मतलब क्या हो गया 4, 64 का मतलब क्या होता है आपका 4 पावर क्यूब बाई 4 × 4 16 × 4 64 प्रोपोर्शनल 4s to power r, सो r इट इज इक्वल टू 3, r कितना आ रहा है 3। इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, r की वैल्यू 3, साइड चेंज करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा 0, इक्वेशन नंबर आ गई आपकी 3rd, इक्वेशन नंबर कौन सी है 3rd। अब आप सेकेंड और थर्ड का यूज करके सॉल्व करोगे, भाई अब तो सॉल्व कर सकते हो मैथमेटिक्स से, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0 एंड p माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका 2। यहां से सॉल्व करोगे तो देखो c का ऑर्डर तो कितना आ चुका है 3, यहां से सॉल्व करोगे तो q का आंसर आएगा -1 और p का कितना आएगा आपका +1, ये आएगा -1 तो ये कितना आएगा आपका +1। तो देखो p का ऑर्डर आया 1, q का आया कितना आपका -1 और r का आ रहा है 3, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ चुका है देखना यहां पर 3, -1 +1 कैंसिल आउट 3। ये क्वेश्चन आपके एडवांस में आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्वेश्चन को आराम से देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। चलिए अब एक चीज देखो, मैंने आपको रेट कांस्टेंट कितने मेथड से सॉल्व करना बता दिया है, एक तो आप यूनिट से सॉल्व कर सकते हो, एक आपको चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम गिवन हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोबारा बता रहा हूं, रेट जो है एक तो बेटा आप यूनिट से सॉल्व कर सकते हो, सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो किससे, चेंज इन कंसंट्रेशन और किससे चेंज इन टाइम, इन दोनों से सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं आगे कि एक चीज देखो, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन दे दे रहा हूं फिर डिस्कस करते हैं। 2N2O5 एरो 4NO2 प्लस O2, अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा तो बच्चे क्या करते हैं समझना, रेट ऑफ रिएक्शन, सर सबसे पहले तो रेट लॉ एक्सप्रेशन का सेटअप कर दो N2O5 और ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 2, तो सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ गया। तो एक पॉइंट समझना भाई कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा वो आपका प्रैक्टिकली डिटरमाइंड अप्रोच होता है, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम हमेशा प्रैक्टिकली डिटरमाइन करते हैं, हम कभी ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वही होगा जो स्टोकियोमेट्री क्या होगा आपका कोएफिशिएंट होगा, पहली बात सुन लेना, हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट के। अगर यहां पर मैंने आपको लिख दिया होता कि ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है या आपकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, पहले बोल दूं अगर आपको कोई लिख के दे दे ये रिएक्शन सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उस केस के अंदर तो जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है
क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। बट कंडीशन क्या है, वहां सिंपल और एलिमेंट्री लिखा होना मस्ट है। अगर एग्जामिनर ने आपको लिख के दे दिया है कि रिएक्शन सिंपल है और एलिमेंट्री है, तो वहां पर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही होगा। लेकिन यहां उसने सिंपल और एलिमेंट्री लिख के नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट कोएफिशिएंट को क्या नहीं बता सकते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऐसी कुछ इक्वेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, जो आपको डायरेक्ट लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। और यहां पर एक कॉन्सेप्ट ऐसा ही बताऊंगा कि बहुत सारे टीचर, बहुत स्कूल्स के, इंस्टीट्यूट्स के, जिसे बच्चों को मिसलीड करते हैं, तो समझना। 2N2O5 is converting in 4NO2+O2। आपको ये लर्न करने हैं। सेकेंड है आपका 5BrO5-6H+(3Br2+2H2O। थर्ड है आपका, चलो पहले दोनों देखते हैं। तो देखो एलिमेंट्री, सबसे पहली बात आपको चेक करना है कहीं एलिमेंट्री या सिंपल रिएक्शन तो नहीं लिखा हुआ। यहां ना एलिमेंट्री लिखा है ना सिंपल लिखा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होगा नहीं। तो यहां पर क्या करोगे आप, सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो क्या आता है, प्रोपोर्शनल टू N2O5। पावर कभी भी 2 नहीं आता, सुन लेना, पावर यहां कभी भी 2 नहीं है, यहां क्या आएगा 1। ये आपको याद रखना है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, यहां पर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखने पे लग रहा है 5 और 1 6 और 6 12 आना चाहिए, लेकिन कभी भी 12 नहीं आता आपका। यहां पर जो रेट है ना बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, Br-BrO5 नहीं है ये 3, Br-O3- और H+। यहां देखो पावर कभी भी कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं आ रही, जो कंसंट्रेशन की पावर है ना वो कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं आ रही। तो यहां पर 1, 1 और 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका, 3 हो गया। अब देखो थर्ड जो एग्जांपल है वो इतना शानदार है ना, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, कई कई जगह ये बोला जाता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली और ओनली कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। पॉइंट सुनना, कई टीचर्स ये बात बोलते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ओनली एंड ओनली किस पे डिपेंड करती है, आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या होने वाला है। 2O3 इज गोइंग टू बी कन्वर्ट 2O2, ये है आपका, और आपको मुझे बताना है इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए। सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन तो है नहीं भाई, जो डायरेक्ट इक्वल हो जाए, फिर भी यहां O3 की पावर क्या आता है 2। लेकिन साथ में धमाका यह है कि यहां पर रेट इस O2 की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करती है। सुन लेना, ये आपके मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा था और बच्चे आंसर टिक करके आए थे 2। तो 2 नहीं होगा, क्यों, यहां पर जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड कर रही है और प्रोडक्ट की पे भी डिपेंड कर रही है। तो 2-1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया आपका, 1 हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है। 2SO2+O2 इट इज गोइंग टू बी रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ NO कैटालिस्ट एंड फॉर्मिंग 2SO3, ये आपकी रिएक्शन है। तो आपको मुझे इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन बताना है, क्या बताना है रेट। तो देखो इसका तो बिल्कुल ही अलग आता है और ये क्वेश्चन भी आपके मेंस में आ चुका है। तो रेट प्रोपोर्शनल किसके होना चाहिए, SO2 और O2 के। लेकिन यहां पर देखो ये जो प्रोपोर्शनल है ना वो है O2 की कंसंट्रेशन टू द पावर 1 एंड NO टू द पावर 2। एक और नई चीज आ गई, यहां पर मैंने बताया प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है, यहां पर मैंने एक चीज और बता दी, क्या, जो रेट होती है ना, सुन लेना, जो रेट है वो रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करती है।
प्रोडक्ट पर भी कर सकती है और कैटालिस्ट पर भी डिपेंड कर सकती है। सुन लेना, जो रेट है इट मे इन्वॉल्व रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटालिस्ट बट इट कैन नेवर इन्वॉल्व इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो पॉइंट लिख रहा हूं यहां पर, सुनना, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो आप सबको पता है। इट मे इन्वॉल्व प्रोडक्ट कैटालिस्ट बट नेवर इन्वॉल्व इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, बहुत सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आते हैं, ये कभी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पर क्या नहीं करती, डिपेंड नहीं करती। सुन लेना कि रेट ऑफ रिएक्शन आपकी जो बात करें वो रिएक्टेंट पर डिपेंड कर सकती है, सॉरी करती है, प्रोडक्ट पर कर सकती है, कैटालिस्ट पर कर सकती है, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करती है। ये पॉइंट अपने माइंड में सेट कर लेना। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जब तक आप लोग नोट करें इसको आराम से, कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जाएगा, बट कंडीशन ये है बेटा कि आप पढ़े तो सही। सर पढ़ते ही तो नहीं है हम, तो बेटा पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। जब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं, अच्छा सा आप देखें सर ने क्या बताया है। एक पॉइंट लिखें फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन द रेट फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज equal to the stoichiometric coefficient दोबारा बोल रहा हूं, अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है और सिंपल है, सपोज करना कोई रिएक्शन है वो एलिमेंट्री है और सिंपल है, तो वो हमेशा स्टोकियोमेट्री पर डिपेंड करेगी। अब देखो यहां पर कुछ एग्जांपल लिख के दे रहा हूं, H2+Cl2 प्रोवाइडिंग 2HBr, सेकंड H2+I2 इट इज प्रोवाइडिंग 2HI एंड लास्ट इज H2+Br2 इज प्रोवाइडिंग 2HBr। ये तीन रिएक्शन है, यहां पर मैंने लिख दिया ये रिएक्शन जो है वो सिंपल और एलिमेंट्री टाइप की है। क्या है? सिंपल और एलिमेंट्री टाइप की है, जबकि फर्स्ट और थर्ड जो है वो एलिमेंट्री टाइप की नहीं है। तो एलिमेंट्री टाइप के लिए जो रेट का एक्सप्रेशन आएगा वो कोएफिशिएंट पर डिपेंड करेगा, H2 कोएफिशिएंट 1, I2 कोएफिशिएंट 1, सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आ गया, आपके 2 के इक्वल आ गया, डिपेंड कर रहा है। जबकि फर्स्ट में देखो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आता है, लगता हमें क्या एलिमेंट्री होगी, लेकिन ना तो ये H2 की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है और ना ही Cl2 की कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जो रेट है ना वो ना तो H2 पर डिपेंड कर रहा है ना Cl2 पर, क्यों? सिंपल और एलिमेंट्री होती तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल कह देते, लेकिन सिंपल और एलिमेंट्री नहीं है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया इसका, जीरो हो गया। अब देखो थर्ड का तो जब प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया ना, इसका तो बिल्कुल अलग आ रहा है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बता रहा हूं कि H2 Br2
पावर हाफ अपॉन वन प्लस के टू एच बी आर अपॉन बी आर टू। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कैसे आया, मुझे भी याद नहीं है, मैं देख के लिख रहा हूं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली डिटरमाइंड डाटा होता है। ये क्या है प्रैक्टिकली, ये भी क्या है प्रैक्टिकली, ये भी क्या है प्रैक्टिकली। सर हमें कैसे पता चलेगा, सिंपल और एलिमेंट्री है। तो देखो भाई, कॉम्पिटेटिव या बोर्ड के एग्जाम में आप प्रैक्टिकल तो करने बैठोगे नहीं, और प्रैक्टिकल करने बैठोगे नहीं तो वहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड होगी सिंपल है एलिमेंट्री है, नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में उसकी सारी ट्रिक्स बताऊंगा कि किन रिएक्शन के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तब तक आपको क्या करना है, वेट करना है, किसका, नेक्स्ट लेक्चर का, क्योंकि वेट के अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बेटा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और मुस्कुराते रहें। यहां आपका ओवर होता है लेक्चर नंबर 6 केमिकल काइनेटिक का। टेक केयर, बाय बाय।